तो गाइस बचपन से यस जब से मैं पैदा हुआ हूँ तब से मेरा एक ही ख्वाहिश है कि बड़ा होके काश किसी दिन बड़ा होके मैं भगवान बन सकूं। मैं क्या करूं फिर जॉब छोड़ दूं? इसीलिए आज हम लोग रियल लाइफ में तो नहीं लेकिन माइनक्राफ्ट में भगवान बनने वाले हैं। तभी तो ये देखो मैं आ चुका हूँ इस टेंपल में एंड आज हम लोग यहाँ से ले जाने वाले अपने लिए कुछ ओपी गॉडली वेपन्स। बस भगवान जी मना ना कर दे, वैसे तो मैंने बहुत ज्यादा पाप किया बहुत ज्यादा पाप किया है। चलते हम लोग फटाफट टेंपल के अंदर। रुक जाओ यहाँ पे चेस्ट देखने दो, यहाँ पे कुछ है क्या? ओ भाई ये तो देखने में शादी का मंडप लग रहा है, लॉल। अच्छा सही है, अगर यहाँ पे ओपी वेपन्स नहीं मिला तो अपना शादी यहीं पे कर लूंगा, कम से कम शादी का खर्चा तो बचेगा। तो यहाँ के चेस्ट तो खाली निकले, तो चलो अंदर चलते हैं। बाहर इधर उधर घूमने से कुछ ज्यादा फायदा होने वाला नहीं। वैसे ये देखो बाप रे कितना बड़ा ये टेम्पल है, अंदर से तो और भी ज्यादा बड़ा है। एंड ये देखो यहाँ पे सामने किसी का स्टैचू है, पता नहीं किसका स्टैचू बना है, नो आइडिया। लेकिन ये देखो यहाँ पे गोल्डन चेस्ट प्लेट है, चलो ले लेता हूँ। ये सारे चेस्ट प्लेट भगवान के तो काम आएंगे नहीं, तो क्यों ना मैं ही इन सभी का यूज कर लेता हूँ। ये देखो लग रहा हूँ ना बप्पी लहरी एकदम। चलो कुछ तो फायदा हुआ यहाँ आने का। एंड लगता है ये सारे चेस्ट यहाँ पे भी खाली पड़े हैं। अरे यहाँ पे कोई चढ़ावा ये सब नहीं डालता है क्या? सारे के सारे चेस्ट खाली है। खैर छोड़ो, तो मैं तो यहाँ पे गॉडली पावर्स लेने आया था। यहाँ पे ये क्या लिखा है, प्रेस दिस। हाँ ये दबाना है क्या? यहीं से मुझे गॉडली पावर्स मिलेंगे, चलो एक बार ट्राई करता हूँ। What the hell, ये क्या हुआ? डैम ये मैं कहाँ पे आ गया? एंड यहाँ पे इतनी सारी ज़ॉम्बीज़ की आवाज़, ओह माय गॉड, यहाँ पे मैं कहाँ पे आ गया? भागो। अरे यार यहाँ पे इतने सारे ज़ॉम्बीज़ कहाँ से आ गए? एंड यहाँ पे क्या लिखा है, गॉड्स ट्रायल। अब पता नहीं इसका मतलब क्या है, लेकिन ये देखो यहाँ पे मुझे एक बुक मिला, इसमें क्या लिखा है, इफ यू थिंक यू आर वर्दी ऑफ बिकमिंग ए गॉड देन प्रूव इट। अरे यार अब ये मैं कैसे प्रूव करूँ कि मैं भगवान बनने लायक हूँ? एंड ये देखो मेरे हाथों में इन लोगों ने क्या दे दिया, थंडर स्ट्राइक थ्रो टू समन लाइटनिंग। अच्छा ठीक है ऐसा है क्या, चलो थ्रो करके ट्राई करता हूँ। कुछ तो नहीं हुआ। अरे नहीं ये डबल हो गया। अरे नहीं डबल नहीं हुआ। तो फिर करना क्या है, इन सभी को टपकाना है, यही है गॉड ट्रायल। ओ वो देखो वहाँ पे मुझे एक रास्ता दिख रहा है, तो शायद मुझे वहाँ पे जाना है। लेकिन ये बताओ सबसे पहले मैं इसका यूज कैसे करूँ, लेट्स गो। ओ ओ ओके 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 ऐसे यूज करना था, लेकिन नहीं 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 भाई यहाँ पे आग लग गया पूरा, यहाँ से मुझे निकलना पड़ेगा फटाफट। अरे भाई ये क्या हो गया, ये क्या कर दिया मैंने? अरे यार मैं बच के कैसे भागू, यहाँ पे जाना है शायद। ओ माय गॉड ये देखो भाई मैं कहाँ पे फंस गया, एक बार मैं नीचे गिरूंगा ना मैं पक्का टपकूंगा। अच्छा ट्रायल से ये मतलब था, ठीक है तो मुझे किसी भी कीमत पे नीचे नहीं गिरना है, बच गया। ओके तो अभी तक तो ये इजी था करना, लेकिन ये हार्ड लग रहा है, मैं यहाँ पे पक्का मरूंगा, मरना नहीं है। थैंक गॉड ज्यादा हार्ड नहीं था, बस देखने में हार्ड लग रहा था। हे ऊपर वाले आपका बहुत बहुत थैंक यू भाई, ये इजी था। हाँ तो अब बताओ अब इन लोगों को मारने का ट्राई करूं, इन सभी को यहाँ पे टपकाना है क्या? चलो ट्राई करता हूँ। येलो कैसा लगा? अरे नहीं यार मैंने गलती कर दी, मैंने उस पेड़ को भी जला दिया। अब मुझे यहाँ पे किसी भी कीमत में फेल नहीं करना, नहीं तो मैं पक्का मर जाऊंगा। ठीक है ऑल इज वेल सच्ची में सब कुछ सही रहा, तो यहाँ पे भी मुझे नीचे नहीं गिरना है। एंड ये देखो ओ माय गॉड ये देखने में कितना ज्यादा खतरनाक लग रहा है, इतने मेरे को क्या करना है? ये देखो यहाँ पे भी सेम चीज है। अरे भाई आप लोग मुझे सेम चीज क्यों दे रहे हो, ये तो मेरे पास ऑलरेडी है। ओ गायब भी हो गया। अच्छा तो ये एक ही रख सकते हैं, ठीक है। एंड शायद यहाँ पे भी मुझे पकोड़ करना है, ठीक है। देखने में तो उतना हार्ड नहीं लग रहा है, बस ये रास्ता कांटों से भरा हुआ है, एंड मेरा मतलब लिटरली कांटों से भरा हुआ है। चलो तो ये सारे स्टेजेस देखने में बस खतरनाक लग रहे हैं, लेकिन उतना हार्ड है नहीं, तो अब कहाँ जाना है, हर जगह कांटे। ओ यहाँ पे जाना है। अरे ये कैमोफ्लाज हो रहा है, इतने सारे कैक्टस ना कि समझ ही नहीं आ रहा था। तो अब ये जंप करना है, ये पॉसिबल भी है ये जंप? ये तो मेरे को इम्पॉसिबल लग रहा है। अरे ये कैसे होगा? अच्छा ऐसे होगा, ओके। देख रहे हो भगवान बनने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, इसी बात पे एक लाइक मार देना, आपको भगवान की दुआ लगेगी। एंड जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी कर देना, भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखेगा। हाँ ये कर लो पहले। ओके तो ये आखिरी जंप है, फिर मेरा ट्रायल 2 भी कंप्लीट हो जाएगा, तो लेट्स गो। ओके आ गया, अब तो ये आसान होने वाला है। तो मैंने ट्रायल 3 कंप्लीट कर लिया। ये देखो यहाँ पे मुझे मिला है डायमंड जनरेटर, ये क्या भाई इसका क्या यूज करूंगा? अरे यूज नहीं कर पा रहा। ये क्या बस शोपीस के लिए है, डायमंड तो जनरेट हो नहीं रहा, पता नहीं आगे चल के कुछ हो जाए। तो चलो छोड़ो हम लोग ऐसा करते हैं आगे बढ़ते रहते हैं। एंड एक बात तो मानना पड़ेगा, अभी तक मैं एक बार भी नहीं मरा। इपिक डिपिक के जलवे, मरूंगा कैसे, भगवान बनने की बारी आएगी तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो बस
1, 2, 3, 4 फिर ट्रायल 3 भी कंप्लीट हो जाएगा। तो ये रहा पहला जंप, डन, इजी। ये तो आसान था भाई, एंड देखने में ये भी आसान है, देखने में नहीं सच्ची करने में भी आसान है। तो वो रहा आखिरी जंप, लेट्स गो। ट्रायल 4 में हम लोग आ चुके हैं। ओ भाई यहाँ पे तो नीचे पूरा लावा है। अरे यार ये क्या नाइंसाफी है। तो ये देखो यहाँ पे हम लोगों को मिल चुका है लाइफ जनरेटर। चलो देखते हैं क्या इसका यूज कर पा रहा हूँ मैं। अरे नहीं, इसका भी यूज नहीं कर पा रहा है। ना लेफ्ट क्लिक काम कर रहा है ना राइट क्लिक काम कर रहा है। तो एक ही ऑप्शन बचा है, सबसे पहले ये सारे ट्रायल कंप्लीट करते हैं, फिर उसके बाद देखा जाएगा क्या करना है। तो यहाँ पे भी मिस्टर डीपिक डीपिक अपना पकोड़ा स्किल दिखाते हुए, देखो हार्ड तो नहीं बोलूंगा लेकिन हार्ट बीट बढ़ाने वाला जरूर बोलूंगा। ऐसे नीचे लावा दिखेगा तो किसी की भी फटेगी ही ना। अरे तो अब कहाँ जाना है, वहाँ पे या फिर वहाँ पे? आई गेस यहाँ पे जाना है। चलो चलते हैं। ओह थोड़ा सा से बचा मैं। डैमेट ये सब करवाना जरूरी है। भगवान जी डायरेक्ट आप पावर नहीं दे सकते, मतलब क्या आप बच्चे से इतनी मेहनत करवा रहे हो। कोई बात नहीं लेकिन ये जंप हार्ड है, यहाँ पे मुझे इससे नहीं टकराना है एंड वहाँ पे जाना है। क्या लगता है ये जंप कर पाऊंगा? इसे हेड हिटर जंप कहते हैं और ये थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन तुम्हारे भाई के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। बोला ना मैंने तुम लोगों को कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, तभी तो भगवान बनने की कोशिश भी कर रहा हूँ। पता नहीं मैं भी ऐसे ऐसे आइडियाज कहाँ से लाता हूँ, एक्चुअली पता है फॉरेन यूट्यूबर से। तो गाइस हम लोग फाइनली ऑलमोस्ट ट्रायल 5 पे पहुंचने वाले हैं। अब बस ये ब्लॉक पार करना बचा है जो कि इजी होने वाला है, एंड मैंने टडा कर लिया, लेट्स गो। ओ ओ ओ ओ ओ माय गॉड, यहाँ पे ये क्या है? अरे यहाँ पे क्रीपर्स का मेला क्यों लगा हुआ है? अगर मैं यहाँ पे गलती से गिरा ना तो तुम लोगों को पता है क्या होने वाला है। लेकिन यहाँ पे इतने सारे क्रीपर्स कर क्या रहे हैं? क्या इन लोगों को भी भगवान बनना था क्या? ओ अच्छा मैं समझ गया, ये लोग आए थे यहाँ पे भगवान बनने, लेकिन ये लोग टपक गए तो बन गए क्रीपर। लगता है मैं मरता तो मेरी भी यही हालत होती। थैंक गॉड मैं एक बार भी नहीं मरा, एंड फालतू का मैंने कोई रिस्क भी नहीं लिया। तो यहाँ से हम लोगों को मिल चुका है चंक माइनर। क्या इसका यूज कर पा रहा? ना इसका यूज नहीं कर पा रहा। क्या तो ये सब क्या भंगार में बेचना पड़ेगा? अच्छा लगता है शायद ट्रायल एंड होने के बाद हम लोग यूज कर पाएंगे। तो चलो फटाफट ये सारे ट्रायल कम्प्लीट करते हैं, एंड इन क्रीपर जैसा तो मुझे बिल्कुल नहीं बनना है। और इसके लिए मुझे बस करना ये है कि मुझे एक बार भी नीचे नहीं गिरना है। A few minutes later. तो गाइस फाइनली मैं आ चुका हूँ यहाँ पे। ये आखिरी ट्रायल है क्योंकि यहाँ पे कुछ लिखा हुआ नहीं है और सामने मुझे 2-3 चेस्ट भी दिख रहे हैं। तो चलो चलते हैं अंदर। ओ भाई बच गया। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कॉन्ग्रेचुलेशंस, इसका मतलब हम लोगों ने सारे ट्रायल पास कर लिए, इसका मतलब अब मैं भगवान बनने लायक बन चुका हूँ। लेकिन रुक जाओ इन सभी चेस्ट में क्या है? ये है नॉकबैक स्लाइम, पता नहीं रख लेता हूँ। कन्वर्ट बैंड, पता नहीं इसे भी रख लेता हूँ। एंड ये फाइनल चेस्ट में आलू है, पता नहीं था भगवान का फेवरेट खाना आलू है। चलो इन सभी आलू को भी रख लेता हूँ। और ये मिल गया लाइट फेदर, इसे भी रखता हूँ। एंड एक फिर से बुक मिला है, देखने दो इस बुक में क्या लिखा है। यू पास्ड ऑल द ट्रायल्स, अच्छा ये तो मैं समझ ही गया था। तो अब बताओ अब क्या करना है? डू नॉट प्रेस, ये तो थोड़ा धर्म संकट वाला बात नहीं हो गया। अब इसे प्रेस करना है या फिर नहीं करना है? वैसे ये ट्रोल मैप तो है नहीं, तो आई थिंक सो प्रेस कर देना चाहिए। अरे करूँ क्या मैं? चलो प्रेस कर ही देता हूँ। ओ अच्छा हम लोग नॉर्मल वर्ल्ड में आ गए हैं। तो अब क्या मैं इन सभी पावर्स का यूज कर सकता हूँ? ट्राई करता हूँ। वैसे लाइटनिंग का तो पहले भी यूज कर पा रहा था। ओ रुक जा, इस पे ट्राई करता हूँ। है ये देखो ये ज़ॉम्बी पाइट पिगलिंग बन गया। तो चलो अब कोई दूसरा, व्हाट द हेल ये क्या हुआ? ओ ये देखो भाई मैं सच्ची में भगवान बन गया। गाइस अगर आप लोगों को किसी भी चीज की कमी है ना तो मुझसे बोलो, मैं पूरा कर दूंगा। अरे भाई फेस कैम चालू करना। अच्छा ठीक है वो छोड़ के मैं उसके बारे में बाद में सोचूंगा, अभी थोड़ा कुछ रीजन है इसीलिए फेस कैम नहीं कर रहा हूँ। वेल छोड़ो, तो चलो अब ये सेकंड चीज ट्राई करते हैं, डायमंड जनरेटर। क्या इससे सच्ची में डायमंड जनरेट? तो कुछ आवाज आया लेकिन कुछ हुआ नहीं। अच्छा ये देखो इधर हुआ, यहाँ पे ये डायमंड ब्लॉक बन गया है। एक बार फिर से ट्राई करता हूँ। ओ भाई ये तो बड़ा मस्त है भाई, अब मैं सबको अमीर बना सकता हूँ। तो अगर तुम लोग मेरे से पैसे की डिमांड करने वाले थे तो ये लो इस वर्ल्ड में आ जाना एंड सारे डायमंड बेच के पैसे कमा लेना। देखो इतने सारे डायमंड भर दिए हैं, कुछ और डायमंड्स की जरूरत पड़ेगी ना तो मांग लेना, शर्माना मत। ओके तो चलो अब ट्राई करते हैं ये लाइफ जनरेटर, इससे क्या होगा? अच्छा ये होगा, मैं विलेजेस पैदा कर सकता हूँ। सही है भाई साहब, आपको कुछ चाहिए? गर्लफ्रेंड बिलोंग टू भगवान जी। भाई बड़ा बदतमीज बंदा है, वो तो मेरे पास भी नहीं है, इसे कैसे दिला दूँ? चलो कोई बात नहीं, दिला ही देता हूँ। ये लो, मैं अपने शौक नहीं पूरे कर सकता, आपके कर देता हूँ। चलो एक और विलेजर को डाल देता हूँ, तुम लोगों की खुशी मुझे बर्दाश्त नहीं हो रही।
तो चलो अब ये पिकैक्स ट्राई किया जाए। ये है चंक माइनर, देखते हैं इससे क्या होता है। अच्छा ये होता है गाइस, इसे तो मैं सच्ची में चंक माइन कर सकता हूँ। ये हुई ना गॉडली पावर। ये देखो कितनी जल्दी मैं बेडरॉक तक पहुँच गया। देखता हूँ क्या ये बेडरॉक को भी तोड़ सकता है। ना बेडरॉक को नहीं तोड़ सकता। तो गाइस ये पिकैक्स तो बड़ा मस्त था। तो चलो अब वापस ऊपर चलते हैं। इन सभी डायमंड्स को इग्नोर मारना, ये मैं अपने लिए बचा के रखा हूँ। ओके तो इस लाइट फेदर की मदद से हम लोग फ्लाई कर सकते हैं, बस इसके लिए मुझे स्नीक दबाना पड़ेगा। चलो ये अच्छी बात हुई, नहीं तो बड़ा अजीब नहीं लगता। मैं भगवान हूँ और मैं ऊपर उड़ भी नहीं पा रहा। तो चलो अब तो मैंने ऑलमोस्ट सभी कुछ ट्राई कर लिया, बस इसे ट्राई करना बचा है। देखता हूँ इससे क्या होता है। लेट्स गो। ओ ये क्या हुआ, मतलब व्हाट द हेल इज दिस। सच में नहीं पता चल रहा ये हो क्या रहा है। कुछ तो हो रहा है इससे, कुछ अच्छा ही हो रहा है आई गेस, बस पता नहीं क्या हो रहा है। चलो छोड़ो अब ये फाइनल चीज ट्राई करते हैं, नॉकबैक स्लाइम। एंड परफेक्ट टारगेट मिल गया, चलो इस पे ट्राई करता हूँ। ओ भाई ये देखो ये कितनी दूर फिका जाता है, चलो इसे भी मारता हूँ। हे अरे रुक जाओ, मैं भगवान हूँ ना, मुझे ये सब काम नहीं करने चाहिए। लेकिन सच्ची बताऊं तो इन सभी चीजों में तो मुझे सबसे मस्त ये लगा। ये देखो भाई मजा आ जाता है। अरे नहीं, आग लग गया, पता नहीं था भगवान भी जल सकते हैं। तो गाइज आज के भगवान गिरी में बस इतना ही। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा एंड मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।